गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि दी प्लीज़ बताओ रिजल्ट आया नहीं आया, क्या अपडेट है। तो मैंने कहा पहले अच्छी तरह से रिजल्ट आने देते हैं और पूरी सब जगह से नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मतलब देना चाहिए जो कि आपके लिए बिल्कुल राइट हो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग हो चाहे या फिर आपकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, कब होगी, कितने नंबर की होगी, एवरीथिंग आपको सब इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, देर से ही भले बट आ चुका है। अब आ गया तो काउंसलिंग भी हो जाएगी और काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको कॉलेज भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका रिजल्ट आ चुका है। अब चाहे वो GNM हो, BSc नर्सिंग हो, ANM हो, GNM हो, पैरामेडिकल हो, यहाँ सबका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, हर एक का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये रिजल्ट है आपका प्रोविजनल है। अब भाई बच्चे पूछेंगे प्रोविजनल क्या होता है, हमें तो नहीं पता, तो ठीक है मैं यहाँ पर हूँ, मैं बताती हूँ। प्रोविजनल मतलब अभी होता है कि एक होता है ना, एक सियोरिटी होती है, एक आपकी विदाउट सियोरिटी होती है। अगर जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे जब हमने अपना नंबर मिलाए तो हमारे घर पे ज़्यादा आ रहे थे, हमने करा ज़्यादा था बट हमारे नंबर बहुत कम आए हैं। कुछ बच्चों की कंप्लेन ऐसी भी आ रही है कि मतलब एक्सपेक्टेड उनको ज़्यादा था बट आए कम है। माना उन्होंने घर पे जब जोड़े कैलकुलेट करे तो उनके 80 नंबर आ रहे थे बट उनके जब हाथ में फाइनल रिजल्ट आया तो उनको सिर्फ 50 मिले। तो ऐसे बच्चे अभी भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। एक नोटिस दे रखा है यूनिवर्सिटी ने अपना, प्रॉपर नोटिस उसमें लिख रखा है कि भाई अगर आपको शिकायत है आपके नंबर उतने नहीं आ रहे हैं जितने कि आपके आने चाहिए थे, तो आप इस वेबसाइट में या फिर मेल में जाके अपना प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सब मैं सिर्फ बोलूँगी नहीं, आपको एक प्रूफ के साथ दिखाऊँगी ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी जो आपके रिजल्ट की PDF आ रखी है, ठीक है। रिजल्ट आ रखा है, रिजल्ट प्रोविजनल है, मतलब प्रोविजनल मतलब ये हो सकता है कि इस रिजल्ट में सुधार हो के ये वापस आए 2 से 3 दिन में, बट 80% तो ये है कि रिजल्ट आ चुका है। और अगर ये लोग कुछ किसी मतलब 4-5 ये बच्चे या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर गलत आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा इशू हुआ होगा और यूनिवर्सिटी को लगेगा कि भाई दोबारा से रिजल्ट बनाना चाहिए, तो हो सकता है तीन से चार दिन में आपका एक दोबारा रिजल्ट बन कर आए जिसमें कि आपको सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। बट जहाँ तक है 80% आपका रिजल्ट ये बन चुका है और इसको आप मान सकते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आप अपने मार्क्स अभी भी गलत लग रहे हैं, तो वो 3-4 दिन का वेट कर लीजिए, हो सकता है यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए दोबारा से रिजल्ट तैयार करे अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो, ठीक है। फिलहाल उन्होंने अपना रिजल्ट यहाँ पर क्या कर दिया, आप लोगों के लिए पब्लिश कर दिया है। अब रिजल्ट में कितने नंबर आ रखे हैं और मेरिट क्या जाने वाली है, इसके बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई किसको कॉलेज मिलने वाला है या फिर किसको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले उस नोटिस और की तरफ ले चलती हूँ और आपको PDF दिखाती हूँ ताकि आपको एक रियलाइज़ हो जाए और आपको एक प्रूफ मिल जाए। तो चलो, तो जैसे मैं भी रिजल्ट देख रही थी, यहाँ पे 80 वाले अगर आप बच्चे देखोगे, 80 वाले यहाँ पे कम से कम 5 या 6 हैं बस, 80 जिनका स्कोर 80 में गया है। 70 वाले भी 10-15 मिलेंगे आपको, चलो 20 मान लो। उसके बाद अगर आप देखोगे 60 नंबर जिनके 69, 65, 68, 67 है, उनकी रैंक 300 तक गई है। मतलब अगर नर्सिंग की यहाँ पर 350 सीटें हैं तो ये सब 60 वालों के नाम होने वाली है। अगर इनमें से कुछ बच्चे छोड़ेंगे तब जाके वो सीटें और को मिलेंगी। अगर ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देखो भाई इनके नंबर इतने अच्छे हैं तो सारी सीटें मतलब प्रायोरिटी इनको दी जाएगी रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैंक है इनकी। और यहाँ आप देखो कि लास्ट अगर जो हम लोग देखें 297, 295 में 60 नंबर का आंकड़ा ख़त्म होता है, फिर आते हैं 59 नंबर वाले। अगर आप पॉज करके देखोगे मेरी वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि 60 वाले काफ़ी बच्चे हैं जिनके नंबर मतलब बहुत 60, 65, 67 ऐसे नंबर काफ़ी आ रखे हैं, और 297, 298 रैंक तो 70 तक ही रुकी है। उसके बाद यहाँ पे 59 वाले नंबर बच्चे आ रखे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 60 के नंबर हैं, तो थोड़े चांसेस कम हो सकते हैं कि पीछे वाले बच्चों को नंबर मतलब चांसेस मिले, क्योंकि अगर 300 सीटें हैं आप लगाओ, 300 जितनी भी सीटें हैं और 300 बच्चों के नंबर आ रहे हैं 60, तो पहले 60 वाले बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर अगर जिनको SC ST OBC हैं इनको तो थोड़ा मतलब थोड़ा कोटा मिलता है तो इन लोगों को थोड़ी प्रायोरिटी आगे दी जाएगी, बट फिर यहाँ पे जनरल वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज अगर आपके नंबर 50, 55, 59 है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बिकॉज आप देखोगे कि 60 नंबर ही 300, 297 रैंक तक 60 ही नंबर यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है।
अब देखो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीट्स भी छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहीं और कोर्स करना होता है ना। तो देखो अभी क्या होता है, बताएंगे अभी काउंसलिंग के माध्यम से पता चलेगा आप लोगों को कि क्या क्या होने वाला है करके। फिलहाल आपका ये नोटिस देखिए आप, इस नोटिस में लिखा है कि किसी भी बच्चे को अगर शिकायत है तो वो ये UKNursing@gmail.com पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद वो लोग आपकी जो आपने कंप्लेन करी है उसको देखेंगे, देन उसके बाद आपकी उस कंप्लेन पे वो लोग विचार करेंगे, सोचेंगे। तो जिसको भी अपने नंबर कम ज़्यादा जो भी लग रहे हैं, प्लीज़ जाइए इस ईमेल पर, अपने सारे ईमेल कर दीजिए, भाई मुझे अपने नंबर कम लग रहे हैं, ताकि आपके नंबर बढ़ें और आपके चांसेस हाई हो, क्योंकि एक नंबर आगे पीछे से ही बहुत अच्छा कॉलेज आपसे मिस भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज आपको मिल भी जाता है। तो इस नोटिस को मैंने आपको दिखा दिया है और आपको आंसर की बता दिया, मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि किन बच्चों को लिया जाएगा करके। अब जैसे ही काउंसलिंग की कोई अपडेट आएगी तो मैं वो आपको बता दूंगी, या फिर अगर 2 या 3 या 4 दिन बाद दोबारा से रिजल्ट आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल तो ये आपको रिजल्ट मिल चुका है, प्रोविजनल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ बाकी सारी अपडेट्स के लिए, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। और आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा सोचिए मत, और अपने नंबर वंबर देखिए अच्छे से, अगर कम हो रहे हैं तो प्लीज़ आप भी जाके कंप्लेन कर दीजिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। और अपना ध्यान रखिए।